मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल अनुराग ठाकुर एक दिन के लिए कल्याण लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर आए हुए थे और आज बीजेपी मंडल अध्यक्ष कुणाल पाटिल के घर पर अनुराग ठाकुर पहुँचे, जहाँ उनका सत्कार किया गया। मुंब्रा शहर में खेल का मैदान नहीं है, इस पर भी सवाल किया गया। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी और बाला साहब की शिवसेना मजबूती के साथ खड़ी है। मुंब्रा दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों के सवाल पर क्या कहा। उसी से यहां के खेल मैदानों का रिजर्वेशन भी जुड़ा हुआ है सर, काफ़ी यहाँ पर हेराफेरी की गई है ज़मीनों की, रिजर्वेशन की। मनपा के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोक उपयोगी योजनाओं के भूखंड जितने थे उनका श्रीखंड बना करके खा लिया गया है सर, और विधायक केलकर जी उसके लिए प्रयासरत है। आप एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते किस तरह से इस तमाम मसले को देख रहे और उस पर क्या आदेश करेंगे सर? संजय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उचित कदम उठाए। केंद्र की ओर से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा तो उसमें मोदी सरकार ने पहले भी कहीं कमी नहीं रखी है। हालांकि खेल एक राज्य का विषय है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नंबर वन स्थान हासिल किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र के एथलीट्स को, महाराष्ट्र की सरकार को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, जो भी हमारे पास ऐसी प्रपोजल्स आएंगी क्योंकि राज्य से ही आती हैं, उनमें केंद्र सरकार ने पहले भी सकारात्मक रुख लिया है, आगे भी है। सर, कल्याण लोकसभा में जिस तरह से आपका दौरा हो रहा है तो आने वाले दिनों में कल्याण लोकसभा में बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, इसी चर्चा हो रही है, पहले किसका है? सर सबसे पहले तो बात के जो नई सरकार महाराष्ट्र में बनी है सर, बाला साहब की शिवसेना उनका है, उनका है, बाला साहब की शिवसेना, बाला साहेबांची शिवसेना। और पिछले दो चुनाव लड़े तो गठबंधन में हमारे साथ ही लड़े जी, तभी शिवसेना एक थी सर, अब भी शिवसेना हमारे साथ जी। बाला साहब जो आदरणीय शिंदे जी माननीय मुख्यमंत्री हैं वो तो साथ में है। देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी सरकार शानदार काम कर रही है और आगे भी। भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सत्ता में रहकर भी, चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, सब लोग बराबर का काम करते हैं सर। ऐसी प्यार बढ़ाने वाले हैं, रिश्तों को मजबूत करने वाले हैं, दबाव बनाने का काम हमारे यहाँ नहीं होता। हम तो संगठन का विस्तार करते हैं, अपने बलबूते पर करते हैं। नहीं सर, बातें भी की जाती है कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है, इसका रिमोट श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में, उप मुख्यमंत्री होते हुए भी वो सारा सिस्टम वही संभाल रहे, इस तरह की बातें कही जाती है सर, क्या कहेंगे इसमें? देखिए जब गठबंधन की सरकार होती तो आपसी तालमेल के साथ ही सरकारें चलती हैं और मुझे लगता है कुछ लोगों को शिंदे जी और फडणवीस जी का तालमेल चुभ रहा है, तो जिसको चुभ रहा है, दर्द हो रही है, उसको थोड़ा दर्द होने दीजिए, लेकिन हमारा काम तो महाराष्ट्र का विकास करना है और उसके लिए मोदी सरकार ने केंद्र से कोई कमी नहीं छोड़ी। सड़कों के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के लगभग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेलवे के लिए कांग्रेस के मुकाबले 11 गुना ज़्यादा पैसा देने का काम किया है, मेट्रो की बात करें तो रिकॉर्ड काम उसमें किया है। आप कोई क्षेत्र चुन लीजिए, चाहे आवास योजना हो, उसमें भी महाराष्ट्र को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, तो केंद्र की ओर से महाराष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण सहयोग मिल रहा है और मोदी जी आगे भी पूरा सहयोग करेंगे।